सबसे पहले जानना चाहेंगे ऐसी क्या चीज है जो आप हर किसी के लिए मदद के लिए सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, ये शालीनता आती कहाँ से? मतलब आप यहाँ भी मौजूद है, मतलब कमाल है, और बहुत बिजी रहते हैं, आपका शेड्यूल भी जिस तरह का हम सब जानते हैं, अभी दो दिन पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई, नया गांव में शूट कर रहे थे, फिर वहाँ से आप बड़ौदा जाते हैं, फिर आप यहाँ पहुँच जाते हैं, ये शालीनता आती कहाँ से? ये मुझे ये लगता है कि जहाँ पे एंटरटेनमेंट जुड़ जाता है तो उसमें बहुत सारे चैलेंज शुरू हो जाते हैं, और हम भी किसी दिन नए थे, मुझे ऐसा लगता है कल ही तो आया हूँ मैं, तो जब एंटरटेनमेंट के लिए आदमी तन मन धन सब खर्च करता है, और अगर उसको ये लगता है कि मेरे उसके साथ होने पे उसकी फिल्म को या उसके प्रोडक्ट को इतना भी अगर फ़ायदा होता है तो रात के 12 बजे भी मैं खड़े होने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा कि मनोज जी हैं, इसरार सब, इसरार भाई, ये सब एक ही हमारा फैमिली ग्रुप है, और इन्होंने जैसे ही बताया तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं आऊँगा, और बहुत आज सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज मनोज जी की फिल्म का जो है म्यूज़िक रिलीज हुआ है, पूरी टीम को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि फिल्म बहुत ही मेहनत से बनती है, और एक फिल्म जब चलती है तो सबों परिवार चलते हैं। मैं अपनी तरफ से आज इतने पावन, अच्छे पावन पर्व पे जो है ये म्यूज़िक लॉन्च के समय पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं, सनी जी से लेके मनोज जी से लेके आप, क्योंकि ये भाई की, हमारे छोटे भाई की तरह नितेश की पहली फिल्म है और मेन लीड है, तो इनके लिए बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एक एक्टर को क्या मिलता है, एक्टर को अगर एप्रिसिएशन मिल जाए और उसकी फिल्म को सही प्लेस मिल जाए वही सबका सपना होता है, तो मैं उस दर्द को समझता हूँ। कितने गौरव की बात है, राजपाल खुद यहाँ मौजूद हैं और आपकी फिल्म को सराह रहे हैं, आपके छोटे भाई की तारीफ कर रहे हैं, डायरेक्टर की तारीफ कर रहे हैं, कितने गौरव की बात है। देखिए ये हमारे दिग्गज आर्टिस्ट आपके बीच मौजूद और आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अगर एक लाइन में कहूँ तो 18 साल का मेरा जो जर्नी है आज सफल हुआ, और ये बहुत बड़ी बात है कि राजपाल सर जी मेरे साथ खड़े हैं। और सच कहूँ छोटी सी बात, तो मैं बॉम्बे आया था 18 साल पहले, और मेरी जो पहली मुलाकात हुई थी जिस हस्ती से, इनसे रूबरू हुई थी, और उस समय एक ऐसा हादसा हुआ, जंगल फिल्म आई और जंगल फिल्म आते ही ये गायब हो गए। हमें उम्मीद थी कि इनसे हम मिल पाएंगे, इनसे कुछ बात कर पाएंगे, और उसके बाद से वो बात करने का मौका, मिलने का मौका आज हुआ है। तो ये अच्छी बात भी है, क्योंकि संघर्ष के बाद जो मिलता है उसकी अहमियत भी होती है। तो यहाँ तक आते आते 18 साल लग गए, और मैं दिल से पूरे मास्टर फिल्म्स के टीम से तरफ से मैं भावनाओं में डूबा हुआ हूँ, क्या बताऊँ कि राजपाल जी यहाँ खड़े हैं, हमारे पूरे विद्यार्थी, हमारे पूरे टीम, हमारे पूरे स्टार कास्ट, टेक्निकल टीम धन्यवाद देती है कि सर हमारे खड़े हैं। Okay, बस उसकी सितंबर हम लोग शूटिंग करने जा रहे हैं, बस यही मेरठ में उसकी शूटिंग है, और मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ कि जिस तरीके के सिनेमा हम पिछले 2-3 साल से लगे हुए हैं, एयरपोर्ट से लेके हर जगह जहाँ हम जाते सब लोग पूछते कि आप अभी क्यों नहीं आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि आ रहे हैं, लेकिन बोले कि नहीं, जैसे जैसे हम चाहते हैं वैसे आप नहीं आ दिख रहे हैं। तो एक्चुअली 2-3 साल से बहुत अच्छा जो है मेहनत करने का मौका मिला, और अब मेरे मन के सुख, जो सुख वाली फिल्में होती हैं जिसमें एक बहुत प्यारी शांति मिलती है, कि क्योंकि मैं भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से पास आउट हूँ, मुझे कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे 3-डायमेंशनल एंटरटेन करने में बहुत मज़ा आता है, और वो समय आ गया, उसमें 4-5 फिल्में हमारी फ्लोर पर प्रॉपर जाने वाली हैं, और पहली फिल्म की हमें डेट मिल गई, हम बहुत खुश हैं। जी जी, राजपाल जी, आपके ऊपर एक आरोप लगता रहा है हमेशा से कि यूं ही जरा हम खामोश क्या हुए, लोगों ने कैसे कैसे फसाने बना दिए जी, कहाँ गुम हो गए थे और क्यों गुम हो गए थे? सर, हमारे गुम होने के पीछे बहुत अच्छे कारण होते हैं, हमने कभी जीवन में, हमारी जो जीवन की जर्नी है उसमें कितने भी साल, मुझे कोई ऐसा दिन याद नहीं जिस दिन चैलेंज ना रहे हों, और हम चैलेंज को एडवेंचर की तरह लेते हैं, और अंदर की बात बताएं कि जब 2005 से ही लगातार कि 2010 तक 10 साल की सेवा जो है सपोर्टिंग भूमिका में हो, कैसी गेस्ट अपीयरेंस की हो, मेल लीड की हो, लेकिन एक दशक बिताने के बाद जो भूमिका हो वो राजपाल के मन की हो, ताकि राजपाल उसमें 100% पूरा दे पाए, जिम्मेदार, क्योंकि हमने जो नाटक भी किया उसमें 2-2 घंटे हमने लगातार लोगों को मंच पर रह के एंटरटेन किया है, तो हम उसी उसमें लगे हुए थे कि कुछ ऐसी फिल्में बने जिसमें अच्छा कंटेंट हो, राजपाल फिट हो,
और देश दुनिया को खूब अच्छा मजा आए। आखिरी सवाल चलते चलते, भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे एक्टर जी क्रिकेट खेल रहा है जी, क्रिकेटर राजनीति कर रहा है जी, राजनेता पॉन देख रहा है और पॉन कलाकार रातों रात सुपरस्टार बन रहे हैं, तो राजपाल यादव का इसके अलावा आखिरी कदम क्या, अगला कदम क्या होगा मतलब एक्टिंग के अलावा अगर कोई ये बात करे तो? वर्तमान हमारे लिए ईश्वर है और आज जहाँ खड़ा हूँ एक्टर के रूप में खड़ा हूँ, कल जहाँ खड़ा होऊंगा तो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि संकल्पित जिंदगी है, जब तक भी जीवित हूँ तब तक अभिनय ही करूँगा और अभिनय के अलावा जो भी करूँगा वो सेवा होगी, लेकिन जो प्राथमिकता होगी वो अभिनय की होगी। और हर आदमी अपनी प्राथमिकता के बाद में बोलते ना, एक कर्म होता है पूजा के रूप में करता है आदमी और एक दूजा सेवा के रूप में करता है, तो जो सेवा करने का जो भी काम करने का मौका मिलेगा वो जल्दी से आपके सामने रखा जाएगा और वो 100% अपनी इस मिट्टी में जन्म लिया है तो मिट्टी ऐसा ही कोई काम होगा जिसमें मिट्टी की सेवा कर सकूँ। थैंक यू सो मच।